वहां चला देना जी, शुरू कर रहा हूँ। अगर कोई भी भगत संत संगत में से बाहर हो, मेरी आवाज आ रही हो, जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। चार जने हो रहा है ना तेरे जयकारा का, मैंने डांट दी है तो बिना माइक के इस तो जोर से बोलती है, हाथ आवाज नहीं निकल रही। बेटा ना, हाँ बेटा, जयकारा शेरावाली माइक का बोल साचे दरबार की जय। के जानो मातृंद्रा दे संतन को दी जोशन तेरा संतन करवा के अच्छे रखो शरीर गोर कटनी गोर के जाके तेरे माँ गुदाई तेरी शरण में तेरा भैरव जाके नगर को महामाई पहाड़ा वाली ते सारी रहन जागांगे पहले पैर तर किया फिर माँ दी जो बुद्ध प्रकाश दूसरे पैर तर किया फिर माँ दी जो अंतन दान तीसरे पैर तर किया फिर माँ दी जो भक्ति लदान चौथे पैर तर किया फिर माँ दी जो मुक्ति लदान काहे मौन इतरा नर बाबा किस तरह शौक बरात हरे हरे गोबर अगनर पौगर मोती अंत चौक बरात जागर पिटिया जागरे जो आपा जगरे जगमग जोत आदनी मोहम्मद करे का जल पर जोर प्रकाश प्रथमे उपजे आप नारायणा द्वितीय सब लमात तृतीय उपजे तीनो देवता चौथे सब संसार पंचमे उपजे पंच प्राण शरण रहे अंतिम सतमे उपजे सात दीप मां अठमे अठ विद्वान नौमे उपजे नौने नाता दसमे दस अवतार ग्यारहवें उपजे ग्यारह धर्मा बारहवें बारह मास तेरहवें उपजे तेरह धर्मा चौदह प्रकाश पंद्रहवें उपजे पंद्रह तिथियों सोलह प्रकार संपूर्ण अति तीरा दमन सिंह बुला लिया कहा चली अति रात भक्त मेरे ने जगन चलिया वहां चली अति रात लंगर बेची अर्जा करते मैंने मिलन चलकार तुम मंडलियो बालक मेरे मैं तेरू तार आई मैं नहीं डरता माता मेरी ये मिनत रहना माला नाली मैया तेरे भक्त बिखाना नाली शगना प्रचार हसन दी माता मेरी क्या मेरी भेंट ले आयो और चढ़ावन फूल पदासे पचड़ा ले आया तेरो नाम है चरना तो वारे वारे जावा बोल सच्ची। ये थे तारा रानी कथा के शब्द, इसको कहते शब्द। हाथ लगा ले, पेटा ले ले जगत दी माई चूड़े वाली बां कट के चूड़े वाली बां कट के मेहंदी वाले हाथ कट के चोरी कर इस तरह कर बेटा ले ले जगत दी माए चूड़े वाली बां कट के और चढ़ावन फूल पतासे फूल पतासे पाना के पाते बजड़े ने शीश चढ़ाया चूड़े वाली बां कट के बेटा ले ले जगत दी माए चूड़े वाली बां कट के पांव पलक में शीश मिलायो शीश मिलायो जोड़ मिलायो हो रही जय जयकार चूड़े वाली बां कट के बेटा ले ले जगत दी माए चूड़े वाली बां कट के पल भी ना लायो क्षण भी ना लायो तारे नाल शीश मिलायो चूड़े वाली बां कट के बेटा ले ले जगत दी माए चूड़े वाली बां कट के नींद आ रही थोड़ी बहुत ईमानदारी से नहीं आ रही है।
सच्चे दो बहनें रब्बा और उर्वशी राजा इंद्र के दरबार नृत्य किया करती थी। इसके अलावा माता की परम भक्तियां भी थी, एकादशी का व्रत रखती थी। बड़ी का नाम रब्बा, छोटी का नाम उर्वशी, दोनों ने व्रत रखा। बड़ी बहन ने छोटी बहन को पैसे दिए, ले मेरी बहन बाजार जा, पूजा का सामान लिया, हम दोनों व्रत उपार ले। छोटी बहन जा रही है, एक हलवाई की दुकान से आवाज आ रही है, ले लो महाप्रसाद। सोच रही प्रसाद बहुत से खाए, महाप्रसाद नाम ही पहली बार सुना। हलवाई के पास गई, भैया दिखाओ तो सही। ढक्कन उसे उठाया, उसकी जो महक थी सांसों द्वारा प्रवेश करके, जिससे उसका व्रत टूट गया, भंग हो गया, पूरा नहीं हो गया। हाँ, क्योंकि उस व्रत के अंदर चावल और मांस था। कहाँ मिला? ये सुनने वाला है, अगर देख लिया ना, व्रत भंग हो गया क्योंकि उस व्रत के अंदर चावल और मांस था। बड़ी बहन के लिए सामान ले लिया उसने पूजा का, अपना नहीं लिया। सारी बात बताई, मेरा तो व्रत टूट गया, कैसे टूटा वो भी बता दिया कि मैंने मांस की खुशबू ले ली। बड़ा क्रोध आया बड़ी बहन को, चीलों वाला कर्म किया तूने, मांस खाते चील ने, हम तुम्हें शराब दे देंगे, जा तू भी चील ही बन जा। उस समय ऐसा था जो कह दो हो जाता था। देखते देखते वो एक नारी सिख चील बन गई, और चील बनी हुई कह रही, बहन मैंने जानबूझकर पाप नहीं किया, अनजाने से हो गया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। बड़ी बहन कहने लगी, कुछ समय पाकर पांच पांडवी अगर चाहेंगे, जिसमें एक द्रवाशा ऋषि ऐसा काम करेंगे जिसके करने से सभी देवी देवताओं के मरने की शंका है, उनके प्राण बचा लेगी, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। समय का इंतजार कर रही है, समय आया, पांचों पांडव ने यज्ञ चलने की तैयारी की। भीम जी को कहा, जाओ सबको निमंत्रण दे के आओ, कल हमारे यज्ञ भंडारा है। भीम जी जा रहे, रास्ते में द्रवाशा ऋषि मिले, प्रणाम किया, निमंत्रण दिया, कल हमारे जरूर आइए। और कौन आ रहा है? अभी सबको कहने जा रहा हूं, मत कहना, मैं अकेला ही तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण कर दूंगा। भीम जी ने कहा, ऐसा है मेरे भाइयों का हुक्म है, सभी आने चाहिए, आपको आना होगा, आए ना, नहीं तो यही बैठे रहना। बोल सच्चे क्या के चले गए भीम जी। बड़ा क्रोध आया द्रवाशा ऋषि को, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना भगत जी, तो आपका मन निंदर लगेगा, इंटरेस्ट भी जागेगा और पुण्य भी मिलेगा। मैं बीच में पूछूंगा, छोड़ी कहां से, मेरा पता भी लग जाएगा, सुन भी रहे हो या नहीं, इन्हीं से नहीं किसी से पूछ सकता हूं मैं। बहुत सच्चे कहां छोड़ी? दरवाजा जी गुस्सा आ गया। वो देखो किससे पूछा था, मम्मी सपोर्ट तो होगी मेरे, माँ दिए माँ दुनिया वाले। बस सच्चे दरवाशा कोई ये बोल के चले गए, आपने आना होगा आ जाना, नहीं तो यहीं बैठे रहना। बड़ा क्रोध आया दरवाशा ऋषि को, इतना सा बालक, इतनी बड़ी बात, मैं तेरा यज्ञ सफल होने नहीं दूंगा। पंछी का रूप धारण किया उसने, पहले कोई भी रूप धारण कर लेते थे साधु संत, एक मरे हुए सांप को अपने हाथों में ले लिया, उसी पेड़ पर पहुंच गया जिसके नीचे सभी देवी देवताओं के लिए खीर का प्रसाद बन रहा था। चारों तरफ नजर घुमाई और उस मरे हुए सांप को खीर में डाल दिया, पर चाको रखे साइया, वो चील उड़ रही थी, सारा कुछ देखा उसने। उसने मां के आगे पुकार लगाई, मां ऐसी काया दे दो मैं इनके प्राण बचा दूं। आकाशवाणी हुई, कौन सी काया चाहिए? जय हो, तबीयत खराब तो नहीं है? नहीं, आप बैठ सकते हो वहां, या नींद का जोर है? अच्छा कोई बात, फिक्र है पूरा। बस सच्चे
घर में मम्मी से डरते हो या डैडी से, उसी पेड़ पर पहुंचे धीरे धीरे जिसके नीचे वो खीर जहर हो चुकी थी। आवाजें दे रही है भक्तों को लेकिन कोई सुन नहीं रहा कि इसमें सांप गिरा मत खाना। फैसला ले लिया, मैं अपने प्राण दे दूंगी, सबके प्राण बचाऊंगी। चारों पांव उठाए, कूद पड़ी गरम गरम खीर में। सांप को गिरते किसी ने नहीं देखा, इसको गिरते हुए सबने देख लिया। हाहाकार मच गई, पांडवों को पता चला, आते ही श्राप दे दिया उन्होंने, ये भंडारा सबने खाना था, नीचों वाली हरकत की तुमने, जा हम श्राप देते तेरे नीचों के घर में वास हो। वो सच्ची असली बात का उनको पता नहीं है। कहने लगे खड्डा खोदो, ये खीर पलटो, नया भंडारा बनाएंगे। छिपकली को साइड में रख लिया, जब खीर पलटी क्या निकला, मरा हुआ सांप। पांडव की बुद्धि काम कर गई, वो कोई छिपकली नहीं, कोई देवी थी, कोई भक्त नहीं, जिसने अपनी जान देकर हमारी जान बचाई। हमने बेचारे को शराब दे दिया, तेरा नीचों के घर में वास हो, लेकिन हम शराब तो कर नहीं सकता, हम साथ में वरदान देते हैं, तेरा पालन पोषण तो हरिजन घराने में होगा, लेकिन जो तेरा जन्म होगा ना राजा के घर का होगा। वो सच्चे अगर बैठने में कठिनाई हो रही है, कुर्सी लो, नहीं बैठ सकते हो। माँ अपने बच्चों को सजा कभी नहीं देती, कटरा कहाँ, जहां से वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू होती है। वहां का राजा था सफर्श, उसके घर में इसी शिवकली ने कन्या के रूप में जन्म लिया, एक कन्या ने पहले भी जन्म ले रखा था, उसका नाम रखा गया था तारा, इसका भी नाम नहीं रखा था। पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी कहने लगे ये कन्या आपके लिए अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है, मार डालो, कन्या मारना बहुत पाप, कोई उपाय है, लकड़ी का संदूक बनाओ, कन्या को अंदर डालो, धन दौलत डालो, ढक्कन बंद करके हीरे जवाहरात लगाकर नदी में प्रवाहित कर दो। सुझाव अच्छा लगा, ऐसे ही किया, बहा दिया, रात को बहाया था, सुबह हो गई, दूसरे इलाके में संदूक पहुंच गया। एक पंडित जी सूर्य देवता की पूजा के लिए रोज जाते थे नदी किनारे, संदूक देखा, कूद पड़े पर पकड़ नहीं पाए, बाहर आ गए। एक हरिजन आ रहा था, आवाज लगाई, इधर आ, संदूक हारा निकाल के ले गया, जो होगा आपस में बांट लिया। हरिजन ने अभी पांव ही डाला था, संदूक अपने आप ही बाहर आ गया, बाहर खींच के ले आए, फैसला किया दो पत्थरों पे अपना अपना नाम लिखेंगे, ऊपर फेंकेंगे, जिसका पत्थर संदूक के ऊपर आ जाएगा वो बीच का सामान ले लेगा, जिसका पत्थर बाहर आ जाएगा, बाहर हीरे जवाहरात लगे वो ले लेगा। पंडित जी का बाहर पत्थर आ गया, बाहर उतारने लगे हीरे जवाहरात, जब हरिजन ने संदूक खोला क्या निकला, बच्ची, तो भी बच्चा ही है, छोटी सी कन्या, कन्या का नाम रखा गया रुक्मन, रुक्मन, चाहे रुक्मन ही कह लो, चाहे रुक्मन कह लो, चाहे रुको कह लो, और कोई कह गया बोलने वाला रह गया। बस सच्चे रुक्मणी धीरे धीरे 8 वर्ष की हो गई, छोटी आयु में शादी कर देते, पंडित जी नाई द्वारा रिश्ता जुड़ जाता था पहले। एक पंडित जी जा रहे थे, रुक्मण के पिताजी ने आवाज लगाई, पंडित जी कहाँ जा रहे हो, मैं हरिपुर शहर जा रहा हूँ तारा का रिश्ता पक्का करने, आपने मेरी बेटी को देखा रुक्मण को, हाँ उसके योग अगर वर हो कोई उसका भी रिश्ता पक्का कर देना, इतना भरोसा होता था पहले, टेंशन नहीं थी पहले कोई। पंडित जी ने क्या किया, तारा का रिश्ता पक्का कर दिया राजा हरिचंद के संग, और उसी नगर का एक गरीब कर्मचारी जिसका नाम था कल्लू, उसके साथ रुक्मण का रिश्ता पक्का कर दिया, दोनों बहनों की शादी हो गई, अपने अपने ससुराल पहुंच गई। रुक्मण की सास लोगों के घरों की, महलों की, मंदिरों की सफाई करती थी, एक कर्म था उसका।
रूमा कह रहे कि माँ जी मैं आ गई हूँ, जहां भी जाते हो मेरे को ठिकाने बता दीजिए। लाख मना किया नहीं माने, वो तारा के घर भी जाती थी, यानी राजा हरिचंद के घर, वहां तारा भी आई आई थी, उसकी बिछड़ी हुई बहन सबसे पहले उधर ही ले गई। दूर से तारा ने देख लिया तो मेरी बहन आ रही है, उसको सारी कथा याद थी पिछले जन्मों की, पर रुकमन को नहीं याद थी। अंधे कले लगाया, बहुत समझाया तू मेरी बहन है, पर रुकमन के पल्ले कुछ नहीं आया। रुकमन कह रहे कि मुझे इस जन्म का पता है, आप रानी हूं, मैं आपकी दासी हूं। तारा ने कहा जब माँ की इच्छा होगी ना तभी तुम्हें याद है कि यहां कैसे आना हुआ, मैं तो सफाई के लिए आई, पहले मेरी सास आती थी अब मैं आया करूंगी। तारा भी जाग करती थी, मंडली की प्रधान थी, अपने मन में जो भी मांगा मांगा। बैठो, ये होती है मन्नत की अरदास, ये मैं यहाँ पर ये कलश रख रहा हूँ, जिन्होंने भी डाली हो। बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया, आप वही बैठे जैसे बैठे थे, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया, नाम रखा गया मंगल। मंगल धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया, रुकमन जागरण भूल गई, हनुमान जी को भेजा माने याद करा गया हो हमारा जागरण देना है। हनुमान जी ने ऐसा हाथ लगाया बच्चे के शरीर पर, छोटे छोटे दाने निकला जिसे खसरा कहते हैं, चेचक कहते हैं, या कहते हैं कि माता का प्रवेश हो गया। कि माता का प्रवेश हो गया, सभी वैद्यों ने जवाब दे दिया तेरे घर में हम जागरण। मेरे बच्चे को मेरे घर में कोई जागरण करके राजी नहीं, मेरा बच्चा कैसे बचेगा। कह लगे डर दे मुझे वो सच्चे, थोड़ा सा ना मैं भी भूल गया लेकिन बताना चाहिए वो सच्चे, थोड़ा सा जो अक्षर रह गया बता रहा हूं वो सच्चे। दरबार की जब पहली बार गई डल लेने ना डल के भक्तों के पास, रास्ते में एक सैन भगत जो नाई का भी काम करता था, कहां जा रही हो, भक्तों को डल देने जा रही हूं जागरण कराना, तेरा बड़ा खर्चा आ जाएगा, मैं खड़े खड़े कर देता हूं तेरा जागरण। आरो भगत जी एक सेकंड, मैं खड़े खड़े जागरण कर देता हूं तेरा। ला डल डल ले लिए, थोड़े पैसे थे वो भी ले लिए। कहने लगा अरदास अरदास तेरी रुकमन की अरदास, तेरा जागरण सफल हो गया, ले रुकमन प्रसाद। जे में पताशा था तली में टेक दिया बोलो सच्चे, आ गई तारा के पास, शुक्र है सैर भक्त का खड़े खड़े मेरा जागरण कर दिया। तारा कहने लगी किसी ठगने तुझे ठग लिया, ऐसे जागरण होते सारी रात जो चलती है, भजन गाए जाते हैं, सुबह आरती होती है, ढोलक मंजीरे बजते हैं, तो क्या करूं दोबारा डल बना, दोबारा से डल बनाए। ये जो मैंने अभी अभी बताया ये भूल गया था बस सच्चे, दोबारा से डल बनाए। सभी भक्तों ने मंडली वालों ने मना कर दिया, तेरे घर में अब जागरण नहीं करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय, जय जय श्री हरि का, बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। भगत जी आप ये तो कि वो बागी क्या जिसका माली ना हो, वो जीजा है क्या जिसकी कोई साली ना हो, वो होंठ ही क्या जिसमें लाली ना हो, वो जागरणी क्या ना खुल के ताली बजाया करो। बहुत सच्चे इस मंगलवार तेरे घर में जागरण मैं करूंगी, बड़ी खुशी जा रही है। उसी शहर उनको ताना मार के गई जिसने ठग दिया था, तुमने तो जैसा करना था कर दिया, अब मेरे घर में जागरण करने आएगी तारा रानी। ये कह के निकल गई,
बड़ा करो गाया उसको, मेरा अपमान करके जा रही है, मैं तेरा जागरण संपन्न नहीं होने दूंगा। उतारा के पति की शेप बनाता था, पहले नाई घर घर जाते थे, हमें तो आजकल तो जाना पड़ता है ना लाइन में, शेप करते करते मुंह में सांप डाल देता, राजा को बड़ा करो गया डाली गई, ये क्या किया, मेरे मुंह में साबुन डालकर तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। महाराज आप ही के घर का साबुन है, जरा मुंह में डल गया, लाल पीले हो रहे हो, आज आपकी औरत आपकी रानी हरिजनों के घर जाएगी जागरण करने, वहां का भोजन भी खाएगी, ऐसा हो नहीं सकता, मेरा शीश कटवा देना ना जाए, फिर ऐसा हो पाएगा कि रानी जाएगी ना, हाथों में उस तरह उठाई अपना हाथ कर, ऐसे हाथ किया चीरा लगा दिया, महाराज इसके मैं नमक मंच उबर गीली पट्टी बांध देना, आपको दर्द होगी, दर्द से नींद नहीं आएगी और आपकी रानी जागी नहीं जाएगी। रानी ने श्रृंगार किया और खिड़की के संग साड़ी बांधी लटकाई, लटकती हुई नीचे आई, रास्ते में चोर खड़ा था, हाथापाई हुई छीना झपटी में, क्योंकि लूटना चाहा उसने, पांव की पहिए वही गिर गई, साड़ी का पल्लू पटके वही गिर गया, वो साड़ी साधारण नहीं थी, लाखों करोड़ों कह लो हीरे जवाहरात लगे हुए थे, लेकिन रानी पहुंच गई कहां, जागरण पे, बोल सच्चे सच्चे कि भक्तों, राजा की आंख खुल गई, आंख खुल गई, देखा रानी है ही, तलवार निकाल दी गुस्से से, पूछे भी बिना गई और हरिजन भी कर गई, रानी तुम्हें जिंदा में नहीं छोड़ूंगा, उसी साड़ी के जरिए नीचे रास्ते में चोर तक पहुंच गया राजा, चोर से पता प्राप्त किया मेरी रानी गई कहां, वो ये कह के भाग लिया, महाराज आपकी रानी हरिजनों की बस्ती चल रही है, वो सच्ची है। राजा धीरे धीरे पहुंच गया, पहले जो जागरण होते थे ना बंद कमरे में होते, माँ काली के होते थे, मांस और मदिरा का भोग लगता था, क्या देखा, क्योंकि तुम्हें जाद बंद था, जो रुखे से देख रहा राजा के अंदर हो गया रहा है, चावल थोड़े से यहाँ चले, यहाँ चलाने नहीं, दोनों में दोनों, ये ऐसे मैं बता रहा हूँ, दोनों हाथ लगाओ, आज हो गया, माँ ने ऐसे लेने थे, चलो एक दो बार और उठना पड़ेगा, इसीलिए भक्त मंडली आपके घर में खाना खाती है, अगर नहीं खिलाते ना तो जागरण संपूर्ण नहीं है, वो सच्चे, इसी चक्कर में मैं पूड़ियां भी खा गया, जैसे पूड़ियां बना है मेरे को, वो सच्चे मैं उसका प्रसाद है, वो कभी प्रसाद कभी नुकसान नहीं देगा, वो सच्चे जागरण में कच्चा खाना, वो सच्चे दरबार की, जब दरवाजा खोला क्योंकि झोली तो भर ली, उसके कहने पे खा भी लिया तारा ने, राजा बाहर से देख रहा, दरवाजा खोला तो राजा सामने, स्वामी आप यहां कैसे, वो बाहर में बताऊंगा तेरी झोली में क्या, ये बता दो सच्चे, एक बार आ जाइए दोबारा से, एक दो पीस खाइए आपको भी नहीं, खाओ बेटी लोग खाओ, इसके छोटे छोटे टुकड़े करो स्वामी जी और हवन कुंड में डाल दो, वैसे ही किया गया, कोई ऐसी चीज जो जान से भी ज्यादा प्यारी है आपको, वो तो रानी तेरा मेरा बेटा ही है सुंदर, उनका एक बेटा था सुंदर, तो जाइए राजा जी
उसका शीश काट के लाएंगे। ये सच्ची कहानी बता रहा हूं मैं, हाँ सच्ची कहानी है ये। सीधा महलों में गया, आवाज लगाए बेटा सुंदर, बेटा भागा ही आया। जी पिताजी, बेटा तुमसे काम पड़ गया, तेरा शीश उतारने आया हूं, परिस्थिति ऐसी बन गई है, ऐसे थोड़ी अमर हो गई कथा, हम सोच भी नहीं सकते वो जो कर गए। मेरी अच्छी किस्मत है पिताजी, मैं आपके किसी काम आ रहा हूं। आगे शीश किया, तलवार चलाई, शीश लेके आ गए। रानी ये ले, इसके छोटे छोटे टुकड़े करो, बड़े बर्तन में डालो। वैसे किया गया, एक चूल्हा बनाया गया, नीचे लकड़ी लगाई गई, ऊपर वही बर्तन, बर्तन के अंदर बच्चे के शीश के टुकड़े। राजा कहता रानी तुमने जो कहा मैंने किया, लेकिन आग में नहीं लगाऊंगा, आग लगाना औरतों का काम है मर्दों का नहीं, आग लगाना औरतों का काम ही नहीं, रसोई कौन करता, वही कहा था मैं, उन्हीं की उन्हीं का प्रसाद उन्हीं को कैसे खिला दूंगा मैं। कहने की पहले आप तो खाओ, एक बच्चे नहीं आता, कुछ भी करवाऊंगे आंसू नहीं आना चाहिए, लेकिन पहले इन वाला उठाया ना अपने बच्चे सुंदर की, उसको ये याद आ गया और आंसू आंख में आ गए। वही रोक दिया रानी ने, आपने वचन दिया था कि मैं नहीं रोऊंगा। कहने लगा जिसने वचन दिया था वो एक राजा था, और जो रो रहा है ना वो एक बाप एक पिता है, रोएगा रहा है कि मेरा एक ही तो बेटा था। रानी सोच रही कि प्राण ही ना दे दे अपने, इसको मां की शक्ति दिखा देनी चाहिए। राजा जी खड़े हो देंगे, ये लीजिए एक थाली, आवाज समझ आ रही है, लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट है, थोड़ी कम करता, मैंने बढ़ा दी थी, घोड़ा तो मैंने मार दिया, लेकिन जब वहां पहुंचा घोड़ा बिल्कुल जिंदा। वो सच्चिया जो जो प्रसाद लेकर गया था, कपड़ा हटाया उसके बन गए छोले, क्या बन गए छोले, मन की शंका दूर नहीं हुई। तो किधर टपक गया यार, दे 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 दो। कथा का मतलब पता क्या होता है कि तार नहीं टूटनी चाहिए। उसको बेटा नजर नहीं आया महल के अंदर, अब उसके कक्ष के अंदर एक आवाज लगाई, दूसरी लगाई, जब तीसरी आवाज गई बेटा सुंदर, बेटा भागा ही आया। बोलो सच्चिया जगता आते ही गले लगा लिया, बेटे ने पीछे खा दिया। राजा कहना तुम मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने तलवार उठाई थी तुझ पर। नहीं पिताजी, जब आपने मुझे मारने के लिए तलवार उठाई, मां साक्षात प्रकट हुई, मुझे बाजू से पकड़ा, अपनी ओर खींचा, माया का पुतला बनाया मेरे ही जैसा, जो काट रहे थे, पका रहे थे, परोस रहे थे, उसके साथ कर रहे थे। मुझे तो मां अपने साथ ले गई थी, आपने पहली आवाज लगाई, मां झूले पे झूला झुला रही थी मुझे, अपनी बहनों के संग, अपनी सखियों के संग। आपने दूसरी आवाज लगाई, माँ शेर पर सवारी करके मुझे अपनी गोद में बिठा के मंदिरों की पर्वतों की सैर करवा रही थी, वो तो इधर लेकर आ रही थी, तब तक आपने तीसरी आवाज लगा दी, मुझे माँ ने वहीं छोड़ दिया, जा बेटा तेरे संसार पिता को तेरी जरूरत है। पिताजी जब तक माँ की गोद में रहा हूं, आइए ना जो आपको बीच में हिस्सा रह गया हो बताएंगे, ठीक है, दोनों का रह गया तो दोबारा काम करवा लेना, वो देती रहे, माता आदेश देती रहे, हम करते रहे। मेरे अपने घर में काफी बार हो चुका जागरण, जो भी दक्षिणा मिलती है मैं उसके 10% रखता हूं, तो मुझे याद भी नहीं है कितने हो गए, रखा कर दो बस। अच्छे राय देना मेरा काम है,
उसको अपनाना या ना अपनाना आप पर है। 5% 10% उसके नाम का रखो, अच्छे काम पे लगाओ, जागरण कराओ, चौकी कराओ, लंगर लगाओ, जो आपकी इच्छा है। मेरी खुशी इसमें होती है तो मैं जागरण चौकी करवाता हूँ। बस अच्छे खड़े हो जाइए एक संपूर्ण, उसके बाद जिसकी इच्छा हो अरदास की अरदास करवा सकते हैं। धन्यवाद, आपने हमारा जागरण हंसते खेलते सफल किया। बाकी लोग इसलिए कराते कि माँ आप हमारे घर में भी आओ, ऐसी रौनक हमारे घर में भी लगे, वो इसलिए अरदास करवाते हैं। बहुत सच्चे अरदास अरदास माता रानी आपके चरणों में अरदास, जागरण संपूर्ण की अरदास, जिस खजाने से अरदास आई खजाने प्रभु रखना, नेक में बढ़ोतरी करना, जय कारण सारा धर्म का गारा, जो लिखते जा भाई का गारा, माता जी को सब संतरी सब प्यारा, जो कोई कुमार होगा गाय का गारा, वही माता जी को सच्चा प्यारा, वो सच्चे और जिसकी इच्छा हो अरदास करवा सकते हैं। हेलो में अरदास कराते हैं, माता रानी से नहीं करे और कोई है जी, पूरी परिवार वाले चरणों में अरदास कराते हैं। कविता जी आपके चरणों में अरदास कराते हैं, शिखा और सिमायरा वाले चरणों में अरदास कराते हैं, सौरभ जी वाले चरणों में अरदास कराते हैं, माता रानी से नहीं करे लेकिन मनोवृत्ति करे, गुप्तन दास माता रानी के बच्चों के दास, गौरव और भूमिका माँ के चरणों में दास कराते हैं, नील आहूजा की माँ के चरणों में दास कराते हैं, नील भोजवानी माँ के चरणों में दास कराते हैं, माता रानी से नहीं करे और कोई बच्चे कहे चढ़े गए पाए रखो बारे दी लाज मंदर विच,
भाई मेरी सखिया जो तारी मन तेरी सराही जय सभी बारी बारी जयकारा मां शेरावाली दा हसीन दे आसरे तेरे मसन रख चरना दे नेड़े हसीन दे आसरे तेरे मसन रख चरना दे नेड़े सानू रख चरना दे